हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज नर्स्ड इक्वेशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो नर्स्ड इक्वेशन टेल्स अस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड एज ई नॉट व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड कंडीशंस मीन्स when we calculate potential in standard conditions means the solution we are using is of concentration 1 molarity should be 1 and temperature should be 298 kelvin and if we are using a gas electrode pressure of the gas should be 1 atmosphere. ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड कंडीशंस में पोटेंशियल जो मेजर की जाती है दैट इज़ डिनोटेड एज ई नॉट. नाउ द क्वेश्चन इज इफ़ वी चेंज द कंडीशंस. इनमें से हम सारी कंडीशंस चेंज कर दें या कोई एक कंडीशन चेंज कर दें. लाइक सपोज कंसनट्रेशन 1 मोलर नहीं रखी हमने, 1 मोलर की बजाय हमने से 0.5 कर दी या कुछ भी कर दी. टेम्परेचर 298 नहीं रखा, चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, देन पोटेंशियल चेंज होगी एंड दैट इज़ डिनोटेड विद ई. सो ई और ई नॉट में क्या रिलेशनशिप है. ई मीन्स इट इज़ द पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस. पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब इनमें से कंडीशंस हम चेंज करते हैं तो पोटेंशियल पे क्या इफ़ेक्ट आता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. नर्स्ड इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं. सो नर्स्ड इक्वेशन की डेरिवेशन हमें पहले करनी पड़ेगी. वो डेरिवेशन के लिए वी हैव टू यूज़ 1 इक्वेशन विच वी स्टडीड इन +1 इन थर्मोडाइनमिक्स. एक इक्वेशन होती है, ये हम +1 में पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ फ्री एनर्जी. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q. ये इक्वेशन से नर्स्ड इक्वेशन ड्राइव होती है. सो डेल्टा जी क्या होता है, इट इज़ अ फ्री एनर्जी चेंज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस. डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस प्लस RT गैस कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड क्यू इज़ द रिएक्शन कोशेंट. नाउ डेल्टा जी जो है इसका फॉर्मूला होता है -NFE. ये कैसे आया इसको भी हम देखेंगे. तो डेल्टा जी नॉट का लिखना है तो उसका आ जाएगा -NFE0. अब ये N क्या है, F क्या है, E तो पोटेंशियल ही है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ई नॉट अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस ई. सो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बनता है ये भी हम देख सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी से वी गो टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो सेल कोई काम कर रहा है, कुछ काम करके सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है. इसका मीन्स वर्क डन. सेल ने जितना काम किया, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल. ये चीज़ हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल. ना अब चार्ज इनटू पोटेंशियल, अब चार्ज कितना आएगा, अब चार्ज देख लेते हैं. जैसे कोई भी आप एक रिएक्शन लिख लो, डेनियल सेल के एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ये डेनियल सेल में सेल रिएक्शन होता है. सो इसमें हम देखें कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है. जिंक 0 से +2 पे गया है और कॉपर +2 से 0 पे गया है. तो 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ. मोल वाइज देखना है तो हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ. तो चार्ज ट्रांसफ़र मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो जैसे इसमें 2 मोल हो रहे हैं तो जनरल चार्ज ट्रांसफ़र कितना होगा, n मोल इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी रिएक्शन के लिए हमने लिखना है
जैसे इसमें टू मोल है, किसी में थ्री होंगे किसी में वन होंगे, तो जनरल चार्ज ट्रांसफ़र हम लिख सकते हैं एन मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज क्या होता है, वन मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है दैट इज़ नोन एज वन फैराडे। ये कहाँ से आया कंसेप्ट, लेट्स सी, वी ऑलरेडी नो दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। वन इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, वन मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, मोल मतलब 6.022 × 10⁻²³ एंड चार्ज दिस मच। सो इसको आप कैलकुलेट करो, ये अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम आता है, जिसको ही हम फैराडे बोलते हैं, वन फैराडे। इसका मतलब वन फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। तो वन फैराडे किस पे चार्ज हो गया, तो आई कैन राइट चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन्स, वन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इतने कूलम है, और एन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, इसको हमने वन फैराडे बोल दिया, मीन्स फैराडे इंटू एन, तो चार्ज कितना हो गया एन एफ। सो एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम नॉन्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन कर रहे हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन एक इक्वेशन है जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई की वैल्यू बताएगा अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। उसको ड्राइव करने के लिए ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यूज़ होती है। अब ये भी डेल्टा जी और पोटेंशियल का रिलेशनशिप होता है। ये कहाँ से आया फर्दर मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट भी पुट किया जा सकता है, बट ये समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ काम करता है, वर्क डन बाय द सेल, चार्ज ट्रांसफ़र इंटू पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ उसको हम एन एफ लिख पाए। वो एन एफ मैं कैसे लिख पाई, वो मैंने अभी आपको समझाया है। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतने कूलम है, वन मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आएगा दैट इज़ कॉल्ड वन फैराडे। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर दैट चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वन फैराडे एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 96500 कूलम्स। वन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वन फैराडे है, एन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, एन एफ। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन। जिस सेल की बात कर रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे दैट इज़ नोन एज एन, और उन पे चार्ज कितना होगा, एन एफ। सो आई कैन राइट अगैन वर्क डन बाय द सेल। सो फॉर्मूला क्या था हमारा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, फॉर्मूला वॉज चार्ज इंटू पोटेंशियल। नाउ चार्ज हमने फाइंड कर लिया, चार्ज आया एन एफ, चार्ज आया एन एफ एंड पोटेंशियल को क्या लिख लिया, ई। दिस इज इक्वल टू वर्क डन, किसने काम किया, सेल ने काम किया। अब देखो सेल ने काम किया, वर्क डन बाय द सेल, तो जब सेल काम करेगा उसकी एनर्जी कुछ कम होगी, हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी कुछ कम होती है। तो आई कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, जितना काम किया उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, इसीलिए ये माइनस का साइन आ गया। वर्क डन अभी हमने निकाला एन एफ ई, सो ये देखो ये चीज़ आ गई। सो इसको वी कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो ये ऐसे बनता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप भी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। ये फर्दर कैसे आता है, ये इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ये रे इक्वेशन, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमने माइनस एन एफ ई लिखी थी, वो कहाँ से आई, वर्क डन से। काम सेल कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। अब वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल है, चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू फैराडे, क्योंकि वन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वन फैराडे होता है, एन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एन फैराडे इनटू पोटेंशियल। तो ये बन गया वर्क चे माइनस ऑफ फ्री एनर्जी, जितनी फ्री एनर्जी कम हुई तो वर्क का मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया। सो डेल्टा जी इज़ माइनस एन एफ ई। सो ये चीज़ आ गई। अब डेल्टा जी की जगह हम माइनस एन एफ ई पुट कर सकते हैं, और डेल्टा जी नॉट की जगह हम माइनस एन एफ ई नॉट पुट कर सकते हैं। ये वैल्यूज पुट करके अब देखते हैं अब क्या इक्वेशन हमारी बनेगी।
सो डेल्टा जे की जगह हमने लिख लिया माइनस एन एफ ई, एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस है माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय माइनस एन एफ. पूरी इक्वेशन को इफ़ यू डिवाइड इट बाय माइनस एन एफ, व्हाट वी विल गेट, को माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो ये ई रह जाएगा. ई इज इक्वल टू ई नॉट, यहाँ पे आ गया माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू. क्यू इज अ रिएक्शन कोशेंट. ये भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ के आते हैं. आई विल एक्सप्लेन इट यू अगेन. नाउ एल एन नेचुरल लॉग, इसको हमने लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है. देन हमें 2.303 लगाना पड़ता है क्योंकि जो कैलकुलेशंस हैं वो लॉग टू द बेस 10 में इजी रहती हैं. सो ये आपकी इक्वेशन बन गई. दिस इज़ द नॉन्स्ट इक्वेशन. अब इसको इजी करने के लिए एक्चुअली मोस्टली जो है चेंज इन कंसंट्रेशन पे इफेक्ट ज़्यादा आता है. वो फैक्टर क्यू में आ जाएगा. टेम्परेचर चेंज होगा तो ये सारी इक्वेशन लगानी पड़ेगी. बट मोस्टली जो आपको आता है टेम्परेचर, वो लोग 298 केल्विन ही रखते हैं. टेम्परेचर दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 298 ही है. अदरवाइज 298 मेंशन होगा. चेंज होगा तो आपको पूरी इक्वेशन लगानी है. चेंज नहीं होगा तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. लेट्स सी, आर की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 8.314, टेम्परेचर 298, एन ये फेराडे की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये बन गया लॉग क्यू. ये चीज़ आ गई. अब इसको फर्दर हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सारी जो वैल्यू है इसको हम देखेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आती है 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. सो दिस इज़ द इक्वेशन. दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन. अब ये इसकी वैसे तो डायरेक्ट ही यूज़ कर लेनी है. ये तो डेरिवेशन थी. कोई कंपटीशन में जो क्वेश्चंस वगैरह उसमें बीच में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हमको ये सारी चीज़ समझनी पड़ी थी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू से स्टार्ट किया था. फिर हम डेल्टा जी का ये फॉर्मूला कैसे पुट कर पाए वो हमने देखा कि वर्क और डेल्टा जी में रिलेशनशिप, वर्क का फॉर्मूला लगाया और अल्टीमेटली हम इस पे पहुंच गए. ये हमने इक्वेशन तब यूज़ करनी है जब टेम्परेचर 298 रखा जाएगा. सो दिस इज़ द नॉन्स्ट इक्वेशन. क्योंकि मोस्टली टेम्परेचर 298 पे ही क्वेश्चन रखते हैं बट फिर भी पूरी मान लो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है देन वी विल यूज़ दिस वन. अब क्यों क्या है, क्यों की बात कर लेते हैं. क्यों कैसे पुट करना है. क्यों इज़ अ रिएक्शन क्वेश्चन. लाइक सपोज वी हैव दिस रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी. अब इनका मान लो ये स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हम यहाँ पे लगा देते हैं तो Q इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. अब आप बोलोगे कि ये तो K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. कि इक्विलिब्रियम इसको K के इक्वल तब लिखना है व्हेन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. इफ़ द रिएक्शन इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, कि रिवर्सिबल तो रिएक्शन है बट इक्विलिब्रियम नहीं आया. अभी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा तो रहा है बट अभी रेट्स इक्वल नहीं है तो उसको हम क्यों बोल देते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हमको जो पुट करना है दैट इज़ द रेशियो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू पर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ये तो हुई सारी नॉन्स्ट इक्वेशन की बात और ये कैसे हमने ड्राइव करनी है और नॉन्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है. अब इसको और क्लैरिटी हो जाएगी इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो ये हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं. तो नॉन्स्ट इक्वेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, टू कैलकुलेट पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस. ना न्यूमेरिकल वन सेज जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट हुज मोलैरिटी इज 0.1 एंड उस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की जो रॉड है वो डिप की गई है एंड द सॉल्ट इज 95% डिसोशिएटेड.
कौन सा सॉल्ट, जिंक सल्फेट, वो हमें बोल रहा है कि वो पूरा डिसोशिएट नहीं है, 95% डिसोशिएटेड है. नाउ सी टेम्परेचर 298 रखा है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमको पोटेंशियल निकालनी है और ई नॉट की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है और हमें अंडर गिवन कंडीशंस निकालनी है. ई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. नाउ वी कैन सी द कंडीशंस आर नॉन स्टैंडर्ड. व्हाई? कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड वाली 1 मोलर होती है, बट हमें कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है और उसमें भी उसने बोला है कि सॉल्ट इज 95% डिसोशिएटेड. नाउ सी, दिस इज अ इक्वेशन. नाउ मैंने ये इक्वेशन रिडक्शन के फॉर्म में क्यों लिखी है, क्योंकि हमें पोटेंशियल उसने रिडक्शन वाली दे रखी है. स्टैंडर्ड में रिडक्शन वाली वैल्यू दी है, तो हम नॉन स्टैंडर्ड में भी रिडक्शन वाली निकाल लेते हैं, ईजी है. तो उसके लिए रिएक्शन भी हमें उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिस फॉर्म में पोटेंशियल की बात हम कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट ये हो गया. नाउ हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. दिस इज़ अ नॉन्स्ट इक्वेशन. क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि कंडीशंस आर नॉन स्टैंडर्ड. यहीं से पता चल जाता है, बिकॉज कंसंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर, इट इज़ 0.1. अब देखते हैं 0.1 का भी आगे 95% ब्रेक है. इसका मतलब है कि जिंक सल्फेट लिया तो 0.1 था, बट वो ब्रेक पूरा नहीं होता. अब आयंस तो उतने ही बनने हैं जितना वो डिसोशिएट होगा. ये 1 बनता है तो ये 1 आयन बनता है. अब ये 0.1 मोलर था, ये मान लो पूरा ब्रेक हो जाता तो ये 0.1 बनता, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड, इट इज़ 95% डिसोशिएटेड. इसका मतलब जो जिंक आयन का कंसंट्रेशन होगा वो 0.1 नहीं लेना, 0.1 का 95% लेना है. तो कंसंट्रेशन हो गई 0.095. किसकी कंसंट्रेशन? जिंक के आयंस की कंसंट्रेशन. ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है. इसमें मिस्टेक होने के चांस क्या है कि हम जल्दी जल्दी में डायरेक्ट 0.1 दे रखी है, पुट कर दें. नो, हमको देखना है कि सॉल्ट की डिसोशिएशन कितने परसेंट है, उतनी ही आयंस की कंसंट्रेशन बनेगी. तो कंसंट्रेशन कैसे मैंने लिखी, 0.1 का 95% लिख लिया. एक ब्रेक करता है तो एक बनता है. 95% ब्रेक होगा 0.1 का, तो ये 95% बनेगा किसका, 0.1 का. सो कंसंट्रेशन इज दिस मच. अब ई नॉट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन वाली ही वैल्यू हम पुट करेंगे, माइनस 0.0591. अब इलेक्ट्रॉन चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं, 2. क्यों क्या था, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. प्रोडक्ट क्या है, जिंक सॉलिड अपॉन जिंक आयंस. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. दिस, अब मैंने 1 कैसे लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज 1. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि प्योर सॉलिड में जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा हमको कितनी रखनी है, 1. प्योर सॉलिड में कंसंट्रेशन इज ऑलवेज टेकन एज 1. नाउ इसको आगे जस्ट सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, वी कैन इजीली सॉल्व इट. 0.76. अब यहाँ पे हमें लॉग वगैरह के फॉर्मूलाज की भी ज़रूरत पड़ेगी. सो इसको ये ऐसे कर लो सिंप्लीफाई करने के लिए. ये चीज़ बन गई है. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें लॉग चीज, इसका ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी. तो अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे. तो नेक्स्ट एक वीडियो में, नेक्स्ट ही वीडियो में मैं आपको ये कैलकुलेशन दोबारा रिपीट कराऊंगी कि किसके लॉग को कैसे सॉल्व करना है और एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करना है. सो ये इसको सॉल्व करके आपकी जो ई की वैल्यू निकल आएगी. उसमें लॉग के फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, लॉग एम अपॉन एन, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं. इसका जो आंसर आएगा इसी क्वेश्चन को आई टेक इन द नेक्स्ट वीडियो.
टू हेल्प यू द कैलकुलेशंस ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग. कैलकुलेशंस कैसे करनी है लॉग टेबल की हेल्प से भी एंड विदाउट लॉग टेबल ऑल्सो, क्योंकि आजकल जो है लॉग टेबल दिया नहीं जाता. डायरेक्ट कई बार वैल्यू भी गिवन होती है, बट विदाउट टेबल एंड विदाउट कैलकुलेटर भी हम इसको कुछ ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम इसका लेते हैं. दिस इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रो डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एट टू. अगैन वी कैन सी टेम्परेचर इज 298. सो टेम्परेचर जो है वो 298 ही रखा जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट 0.0591 वाला जो वैल्यू था वो यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें क्या सिचुएशन है, अभी फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं. सेम ही क्वेश्चन है जो पीछे हम करके आए हैं. AgNO3 का सॉल्यूशन है एंड उसमें सिल्वर का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है और कंसंट्रेशन 0.1 है. अब इसने कोई डिसोसिएशन की बात नहीं की कि इतने परसेंट डिसोशिएटेड है. इट मीन्स वी हैव टू टेक कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन हमने मान के चलनी है. ये सिल्वर की इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर नाइट्रेट व्हेन इट विल डिसोशिएट इट विल फॉर्म सिल्वर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस. वन है तो ये वन बनता है. अब ये 0.1 का 0.1 डिसोशिएट हो गया तो नेचुरली ये कितना बनेगा 0.1. इट मीन्स सिल्वर आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी लेनी है हमें, 0.1 मोलर. सो पोटेंशियल हमको निकालनी थी, मीन्स हमको ई कैलकुलेट करना है. तो नर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगी, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. सिल्वर की बात हो रही है तो अगेन मैंने रिडक्शन में क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे पोटेंशियल भी रिडक्शन में दे रखी है. स्टैंडर्ड वाली रिडक्शन में है तो जो फाइंड करनी है वो भी रिडक्शन में कर लेंगे, तो रिएक्शन भी रिडक्शन वाला लिखना पड़ेगा. तो रिडक्शन वैल्यू थी 0.8 माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन चेंज, इसमें 1 है सो एन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 लॉग क्यू. अगेन क्यू इज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. 0.8 माइनस 0.0591 लॉग प्योर सॉलिड की हम देख के आए कंसंट्रेशन 1 लेनी है अपॉन 0.1. Ag की कंसंट्रेशन इज 0.1. सो इट कैन बी सॉल्व डायरेक्टली, इसमें कुछ भी नहीं है. ये आपका कितना बन जाएगा 10. सो ये आपको याद रखना है, लॉग 10 इज 1. लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है. सो इसको जो सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी वैल्यू ऑफ योर ई. उतने जो वोल्ट आएंगे वो ई की वैल्यू होगी. सो ई इज़ द पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस. नाउ व्हाट इज इट सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट सेज एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस. नाउ हमें कंसंट्रेशन सिल्वर आयंस की पूछी गई है. विल दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट. अब इसको समझना है 0 वोल्ट वैल्यू किस कंसंट्रेशन पे आएगी. स्टैंडर्ड वैल्यू तो दे रखी है. अब ये जो वैल्यू है 0 वोल्ट, ये ई की वैल्यू है. मतलब ये इक्वेशन हम लें, ई इज इक्वल टू ई नॉट लॉग ये चीज़. अब हमें ई की वैल्यू दे रखी है 0 वोल्ट, ई नॉट की भी हमें वैल्यू पता है. सेम इक्वेशन है सिल्वर की, इसीलिए मैंने 1 ले लिया. ये इक्वेशन हमने दोबारा यूज़ की है. लॉग क्यू, क्यू क्या आएगा, सिल्वर अपॉन सिल्वर आयंस, सिल्वर आयंस. अब सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन हमें इस केस में निकालनी है कि कितनी कंसंट्रेशन पे हमारा पोटेंशियल 0 वोल्ट आता है. सो इसमें हमें एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी. वो जो कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट सपोज कि इसको मैंने एक्स मान लिया, सिल्वर आयंस के कंसंट्रेशन को कितना मान लिया, एक्स मान लिया. सो यहाँ से हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इससे एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी अवर आंसर. सो लॉग का थोड़ा सा आइडिया हम लिख लेते हैं. लॉग के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, वो आप नोट कर लो साइड पे, उसकी हेल्प ज़रूरत पड़ेगी हमको. लॉग एम एन, जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन.
फर्स्ट फॉर्मूला log m n का, जब भी ये मल्टीप्लाई में है उसको हम log m प्लस log n लिखेंगे, डिवाइड में है log m बाय n को क्या लिखेंगे, log m माइनस log n, एंड थर्ड फॉर्मूला log m की पावर n इसको लिखते हैं n log m। सो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, बट और भी काफ़ी कुछ इसमें ट्रिक्स आएंगी जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस करेंगे। अभी आप ये कैलकुलेशंस को एज सच रख लो, नेक्स्ट वीडियोस में मैं यही न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशंस आपको पूरी कराऊंगी और अगले टॉपिक्स हम लेंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।